पिछले कुछ वित्तीय सालों में देश के रक्षा बजट में लगातार वृद्धि देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार ये ऐसे समय में है जब अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2-5% सैन्य पर खर्च करती है। ये वित्तीय वर्ष 24 के बजट का 13.2% और सकल घरेलू उत्पाद का 2.08% था। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पिछले कुछ वित्तीय सालों में देश के रक्षा बजट में लगातार वृद्धि देखी गई है। हालांकि वित्त वर्ष 2025 के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का लगभग 1.9% ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार ये ऐसे समय में है जब अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2-5% सैन्य पर खर्च करती है। इस साल भारत ने रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये कुल बजट व्यय का 13% है। वित्तीय वर्ष 2024 के संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में व्यय 6.23 लाख करोड़ रुपए है। ये वित्तीय वर्ष 24 के बजट का 13.2% और सकल घरेलू उत्पाद का 2.08% था। बीते कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान के साथ मचे रार के बीच भारत सरकार ने दुश्मन देशों को चारों खाने चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने की दिशा में भारत एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। इसने अपने हल्के लेकिन शक्तिशाली टैंक जोरावर के परीक्षण का एक और सफलतापूर्वक चरण पूरा कर लिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की ओर से इस टैंकर का प्रारंभिक ऑटोमेटिव परीक्षण भी सफल रहा। लार्सन एंड ट्रूब्यो यानी कि LNT के साथ मिलकर बनाए गए इस टैंक का इससे पहले LNT के सूरत में हजीरा प्लांट में टेस्टिंग की गई थी। इसी बहाने आइए जान लेते हैं कि भारतीय सेना में कितने टैंक हैं और ये कितने पावरफुल हैं। जोरावर टैंक का वजन केवल 25 टन है। 2.5 साल में इस टैंक को डिजाइन कर इसका पहला प्रोटोटाइप भी बना लिया गया था। फिलहाल ये डेवलपमेंट टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। वजन में हल्का होने के बावजूद जोरावर किसी भी मामले में कमजोर नहीं है, बल्कि ये कई मामलों में दूसरे टैंक के मुकाबले भारी है। पूरी तरह से बख्तरबंद इस टैंक का वजन कम होने के कारण दुर्गम से दुर्गम रास्तों से इसे ले जाया जा सकता है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर प्लेन और ट्रेन से भी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचाया जा सकता है। तेज रफ्तार से इसे हजारों फुट की ऊंचाई से लेकर ऊबड़ खाबड़ बिहड़ों पहाड़ियों पर चढ़ाया जा सकता है, तो मैदान और रेगिस्तान में भी इसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ती। इसके साथ ही इसकी मारक क्षमता ऐसी है कि बड़े से बड़े टैंकर पे भी भारी पड़ सकता है। दिन हो या रात, ये दुश्मन पर समान गति से हमला भी कर सकता है। आगे की ओर ही नहीं, रिवर्स में भी ये टैंक एक ही राउंड में दुश्मनों के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तनाबूत कर सकता है। पूरी तरह से स्वदेशी जोरावर टैंक को ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस किया गया है। इसमें लगी 105 mm की गन से एंटी टैंक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। मुख्य तोप के अलावा दूसरे हथियार चलाने के लिए भी इसमें सिस्टम है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के जरिए जोरावर दुश्मनों के हमले से खुद को सुरक्षित भी रख सकता है, यानी बचा सकता है खुद को। इसमें लगे सभी सिस्टम पहाड़ों के माइनस टेम्परेचर में भी और रेगिस्तान के अधिकतम तापमान में भी समान रूप से फायर कर सकते हैं। इसके चालक दल की संख्या 2-3 होगी। भारत के पहले मेन बैटल टैंक का निशाना महाभारत के अर्जुन की तरह ही अचूक है, इसलिए इसे नाम भी अर्जुन ही दिया गया है। क्रॉस कंट्री में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम अर्जुन के इंजन की ताकत 14,000 घोड़ों के बराबर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना खतरनाक है। मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर से लेस अर्जुन टैंक को रासायनिक हमलों से बचाने के लिए खास सेंसर लगाए गए हैं। दिन रात किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल के लिए तैयार अर्जुन में जैमर के साथ ही एडवांस लेजर वार्निंग काउंटर मेजर सिस्टम भी है। भारतीय सेना के 124 अर्जुन MK-1 टैंक सेवारत हैं, तो 119 MK-1A टैंक और सेना में शामिल करने के लिए ऑर्डर दिया भी जा चुका है। भारतीय सेना का एक और मेन बैटल टैंक है T-90 भीष्म, जो दुनिया के सबसे पावरफुल टैंकों में शामिल है।
पहले T90 को रूस से आयात किया जाता था, पर अब इसे देश में ही बनाया जाता है। 125 मिलीमीटर गन से लेस भीष्म 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें एक साथ 43 गोले रखे जा सकते हैं। 550 किलोमीटर ऑपरेशन रेंज वाला भीष्म टॉप अटैक प्रोटेक्शन के से भी लेस है, जिसकी वजह से इस पर सवार जवानों को हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाकर भी निशाना नहीं बनाया जा सकता। आत्मघाती ड्रोन, ग्रेनेड, एंटी टैंक मिसाइल भी सिस्टम के कारण भीष्म में सवार लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भारतीय सेना के पास 1200 भीष्म टैंक है और जुलाई 2023 में इसमें लगाने के लिए 400 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिससे इसकी नेटवर्किंग क्षमता और बढ़ाई जा सके। भारतीय सेना के पास 2472 टैंकों का बेड़ा है, जिसमें से अब 1800 टैंकों को एडवांस AI बैटल क्षमता वाले टैंकों से रिप्लेस करने की तैयारी है। 41 टन वजनी T72 टैंकों को महाबली कहा जा सकता है, जो सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी इनकी स्पीड 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। इसे 125 मिलीमीटर की तोप 4.5 किलोमीटर दूरी तक मार सकती है। इसमें 12.7 मिलीमीटर और 7.62 मिलीमीटर की दो मशीन गन भी है। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने में पूरी तरह से सक्षम है। कई हमलों के दौरान भारतीय सेना का साथ देकर देश को जिताने में अहम भूमिका निभाने के कारण T72 का नाम अजय पड़ा। हालांकि अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कॉम्बैट व्हीकल तैयार किए जाने की योजना है। इन नए फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन एंड हैंडसेट, सिचुएशन अवेयरनेस और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। यानी कि हमारी सेना जो है वो और ज़्यादा सशक्त होने जा रही है और जो बजट सेना के लिए आवंटित होता है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।